अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी अबाउट द टाइप्स ऑफ व्हिपिंग क्रीम्स दैट आर अवेलेबल इन पाकिस्तान। जो जो व्हिपिंग क्रीम्स पाकिस्तान में लोकली बनती हैं और जो इम्पोर्ट होती हैं, मैं दोनों को डिस्कस करूंगी आपके साथ, ताकि आपको एक क्लियर आइडिया हो जाए कि आप कौन सी क्रीम्स किस पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं और उसको इस्तेमाल करने का सही तरीका क्या है, ताकि आप जो भी डिशेस बनाते हैं वो आप और ज़्यादा अच्छे तरीके से बना सकें। और जो न्यू बिगिनर्स हैं जिनको क्रीम्स का इतना नहीं पता, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो इस वीडियो को आप प्लीज़ पूरा वॉच कीजिएगा। पाकिस्तान में दो तरह की क्रीम्स यूज़ होती हैं, एक तो होती हैं डेरी क्रीम्स और एक होती हैं नॉन डेरी क्रीम्स। डेरी क्रीम्स वो होती हैं जो गाय या भैंस के दूध में से बनाई जाती है, और नॉन डेरी क्रीम्स जो हैं वो आर्टिफिशियल तरीके से बनाई जाती हैं, उसमें दूध इस्तेमाल नहीं होता। सबसे पहले हम आ जाते हैं डेरी क्रीम्स की तरफ। ये दूध से बनती हैं, इनमें टेट्रा पैक की क्रीम्स आ जाती हैं, ठीक है, जिस तरह से मिल्क पैक है, ऑलपर्स है, हलीब है। और मिल्क पैक में तो अब दो वैरायटी आ गई हैं, एक तो डेरी क्रीम आ गई है और एक उसकी डेरी व्हिपिंग क्रीम आ गई है, जो आप केक्स वगैरह में यूज़ कर सकते हैं और डिफरेंट स्वीट डिशेस में भी यूज़ कर सकते हैं, लाइक कस्टर्ड्स, ट्राइफल, पुडिंग, आइसक्रीम, आइसिंग और टॉपिंग में भी यूज़ कर सकते हैं। पहले हम इन दो क्रीम्स को डिस्कस कर लेते हैं। ये आपको हर जगह पे मिल जाएंगी, इवन छोटे से छोटे शहर में छोटी सी छोटी शॉप पे भी आपको मिल जाती हैं। यहाँ पे आपको व्हिपिंग क्रीम्स नहीं मिलती, वहाँ पे आप इनका यूज़ कर सकते हैं। वैसे तो इसकी शेल्फ़ लाइफ होती है 3 to 4 months, लेकिन जब आप इसको एक दफ़ा खोल देते हैं उसके बाद आपने इसको 3 दिन के अंदर अंदर यूज़ करना होता है और आप इसको फ्रिज में स्टोर करते हैं। इसकी अगर हम फैट कॉन्टेंट की बात करें तो इसमें 30% फैट यूज़ हुआ है। 36% से ज़्यादा अगर फैट यूज़ होता है तो वो ज़्यादा स्टेबल होती है, उसको आप केक्स में, उसकी डेकोरेशन में यूज़ कर सकते हैं, उसकी स्टिफ़ पीक्स फॉर्म हो जाती हैं। लेकिन ये क्रीम जो है 30% फैट है तो बहुत ज़्यादा स्टिफ़ नहीं होती, इसकी सॉफ्ट पीक्स बन जाती हैं और ये ज़्यादा देर अपनी शेप को होल्ड नहीं कर सकती। तो आप इसको केक्स में यूज़ तो कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा जो प्रोफेशनल अगर आपको रिज़ल्ट चाहिए तो उसके लिए ये क्रीम ठीक नहीं। अब ये क्रीम आप यूज़ कर सकते हैं डिफरेंट डिशेस में, लाइक इसको आप केक्स में डेकोरेशन के पर्पस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आप दूसरी डिशेस में, लाइक अगर आप हांडी वगैरह बना रहे हैं कुकिंग में, सूप्स थिकनिंग के लिए यूज़ होती है, एक टेक्सचर आ जाए, क्रीमी हांडीज़ हो गई, तो इस तरह की रेसिपीज़ में भी यूज़ हो सकती है। इसको अगर आप डिज़र्ट्स में यूज़ करते हैं तो उसके लिए इम्पॉर्टेंट है कि आप इसको अच्छी तरह से चिल करें फ्रीज़र में 4 से 5 घंटे के लिए, उसके बाद आप इसको बीट करते हैं तो अच्छी तरह से बीट होती है और क्वांटिटी में डबल होती है। अब हम आ जाते हैं डेरी क्रीम में ही व्हिपिंग क्रीम की तरफ। ये रिसेंटली मार्केट में लॉन्च हुई है और ये पहले से मीठी होती है, इसमें आपको शुगर ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती। इसका अगर हम फैट कंटेंट की बात करें तो इसमें 32.5% फैट है, स्लाइटली मोर देन द प्रीवियस क्रीम्स। और इसके अगर हम इंग्रेडिएंट्स की बात करें तो इसमें मिल्क क्रीम के अलावा और भी चीज़ें एडेड हैं, लाइक स्टेबलाइजर्स, इमल्सिफायर्स, ग्लूकोज सिरप है जो इसकी शेप को होल्ड करता है। अच्छा, इसको आप यूज़ कर सकते हैं केक्स में, मूस में, शेक्स में, किसी भी तरह की स्वीट डिशेज़ में आप यूज़ कर सकते हैं। इसको यूज़ करने से पहले आपको इसको चिल करना पड़ता है 4 से 5 घंटे के लिए। आप इसको या तो फ्रिज में रख दें या फिर आधा घंटा पहले फ्रीज़र में रख दें, ये अच्छी तरह से जब ठंडी हो जाएगी उसके बाद आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसको व्हिप करते वक्त आपको ध्यान रखना पड़ता है, आपने ओवर बीटिंग नहीं करनी वरना क्रीम फट जाती है। आप कोई कलर यूज़ कर रहे हैं तो बहुत सोच समझ के आपको कलर यूज़ करना होता है, क्योंकि एक दफ़ा मैंने पाउडर्ड कलर डाला तो क्रीम फट गई, तो ये इतनी स्टेबल नहीं है। ये टेट्रा पैक में है, इजीली अवेलेबल वैसे इसको होना चाहिए, लेकिन मार्केट में ये ईजिली अवेलेबल नहीं है। मैंने 3 बड़े सुपर स्टोर्स देखे, उसके बाद मुझे 4th सुपर स्टोर में ये क्रीम मिली। लेकिन अगर आपको मिल जाती है आप इसको ट्राई कर सकते हैं। टेट्रा पैक की जो डेरी क्रीम्स हैं, लाइक जो पहले मैंने आपको दिखाई, वो आप केक्स में इतना अच्छा यूज़ नहीं कर सकते, उसकी जगह आप इसको यूज़ कर सकते हैं अगर आपको ईजिली अवेलेबल हो जाए। तो ये हो गई हमारी डेरी क्रीम्स। अब हम आ जाते हैं नॉन डेरी क्रीम्स की तरफ। नॉन डेरी क्रीम्स में आपको वैरायटी नज़र आएगी सुपरमार्केट्स में। इसमें विपी विप क्रीम है, सिल्वर विप आ जाती है और दूसरे ब्रांड्स के नाम से आपको क्रीम्स मिल जाती हैं। इसमें जो इंग्रेडिएंट्स यूज़ होते हैं वो दूध के अलावा और चीज़ें हैं, पानी है इसमें, शुगर, मिल्क सॉलिड्स, इमल्सिफायर्स और गम वगैरह चीज़ें डाली हुई हैं, और इसमें आपको मीठा करने की ज़रूरत नहीं होती, ये पहले से मीठी होती है। इनका टेस्ट बहुत अच्छा होता है और खाने में लाइट होती हैं, हैवी फील नहीं होती। बेकरीज में जो आप क्रीम केक्स लेते हैं, क्रीम रोल्स लेते हैं, उसमें ये वाली क्रीम्स यूज़ होती हैं। इनको आपने फ्रीज़र में रखना होता है, इस पर लिखा होता है कि आपको इसको
फ्रीज़र में स्टोर करना है, और जब आप इसको यूज़ करते हैं तो आधा घंटा पहले इसको निकाल देते हैं, डिफ्रॉस्ट हो जाती है, लिक्विड स्टेट में आ जाती है, उसके बाद आप इसको विप करते हैं। इनको आप फ्रीज़र में स्टोर करते हैं तो आराम से 2-3 महीने भी चल जाती हैं। आपने पैकेट खोला, उसमें से आपने क्रीम यूज़ की, बाकी जो बच गई है उसको आपने फ्रीज़ कर दिया इसी पैकेट में, तो वो ख़राब नहीं होती। तो इसकी शेल्फ़ लाइफ बहुत ज़्यादा होती है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। बिगिनर्स के लिए ये बेस्ट है। अगर आप प्रोफेशनल केक्स बनाना चाहते हैं तो दिस क्रीम इज़ बेस्ट फॉर यू। बेसिकली ये यूज़ होती है आइसिंग्स में, और इसको आप आइसक्रीम्स में यूज़ कर सकते हैं, शेक्स में यूज़ कर सकते हैं, किसी भी किस्म के डिज़र्ट में यूज़ कर सकते हैं। इनको हैंडल करना बहुत आसान होता है, जो बेकिंग की तरफ जिनको शौक है और आप चाहते हैं कि प्रोफेशनल टच आए आपके क्रीम केक्स को, तो ये वाली क्रीम्स बेस्ट हैं। मेरी जो फेवरेट क्रीम है जो मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ वो विपी विप क्रीम है। इसके अलावा आप और ब्रांड्स भी यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत स्टेबल होती है, अपनी शेप को होल्ड करती है, इवन आप गर्मियों में भी केक्स के ऊपर आइसिंग कर सकते हैं और वो अपनी शेप को होल्ड करके रखती है। इसको जब आप विप करते हैं तो पहले सॉफ्ट पीक्स बनती हैं, उससे ज़्यादा आप इसको बीट करेंगे तो स्टिफ़ पीक्स बन जाती हैं। इसमें ओवर बीटिंग का ख़तरा नहीं है कि क्रीम फट जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। क्रीम बहुत ही स्टेबल है, बिल्कुल भी नहीं फटती, और बीट करने के बाद ये डबल हो जाती है, फूल जाती है, इसकी क्वांटिटी बढ़ जाती है। तो 250 ग्राम्स का जो पैकेट होता है वो एक केक में आराम से यूज़ हो जाता है और कॉस्ट इफ़ेक्टिव है। तो ये हो गई हमारी लोकली अवेलेबल क्रीम्स जो पाकिस्तान में बनती हैं। अब हम आ जाते हैं इम्पोर्टेड क्रीम्स की तरफ, जो इम्पोर्ट करते हैं हम, बाहर बनती हैं और यहाँ पे लाई जाती हैं। इनकी प्राइसेस ज़्यादा होती हैं, आपको सुपर मार्केट्स में मिलती हैं, आम स्टोर्स पे आपको नहीं मिलती। इम्पोर्टेड क्रीम्स हमें मिलती हैं या तो पाउडर्ड फॉर्म में या फिर प्रेशराइज्ड कैन के फॉर्म में। अब पाउडर्ड फॉर्म में जो होती हैं उसमें आ जाती है ड्रीम विप क्रीम, जोसेफ मार्क क्रीम, बेटी क्रॉकर की मिल जाती हैं। ये पाउडर्ड फॉर्म में होते हैं, इनमें साशेज अवेलेबल होते हैं, 2 या 4 साशेज होते हैं। पाउडर्ड क्रीम को दूध में या पानी में डाल के मिक्स किया जाता है, उसको बीट किया जाता है, और उसको फिर आप यूज़ कर सकते हैं केक की डेकोरेशंस में, आइसिंग्स में, क्रीम रोल्स वगैरह में, दूसरी रेसिपीज़ में यूज़ हो जाती हैं। ये मीठी होती हैं क्रीम्स, तो सिर्फ डिज़र्ट्स में ही यूज़ हो सकती हैं। दूसरी आ जाती हैं कैंड स्प्रेज होते हैं इस तरह के, ये प्री विप्ड क्रीम्स होती हैं, कैन में होती हैं, प्रेशराइज्ड कैन होता है। आप इसको एज इट इज़ यूज़ करते हैं, थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती है ये क्रीम, लेकिन इसमें आपको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, इसके लिए आपको कोई नोज़ल लगाने की ज़रूरत नहीं होती। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डेरी क्रीम जो हर घर में अवेलेबल होती है वो है दूध की बालाई। फ्रेश मिल्क जो भी लेते हैं ऊपर से इसकी एक लेयर जम जाती है जिसको हम बालाई कहते हैं, उसको उतार के हम वेरियस डिशेस में यूज़ करते हैं। और सबसे जो बेसिक इसका पर्पज़ होता है वो घी और मक्खन है। इसको आप डिफरेंट डिज़र्ट्स में भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसका टेस्ट ज़रा डिफरेंट होता है जो हमारी टेट्रा पैक की क्रीम्स होती हैं। बहुत से लोग इसको नाश्ते में यूज़ करते हैं, पराठे के साथ और ब्रेड पे शहद के साथ यूज़ करते हैं, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो ये मैंने कवर कर दिया सारा टॉपिक डिफरेंट विपिंग क्रीम्स और डेरी क्रीम्स के बारे में। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।